फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में टेक्पोस्टाइल की तरफ से एक मॉडल लॉन्च हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भरपूर मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं ना, हम आपको दिखाएंगे क्या वो चीज है। प्रोसेसर की बात करें, रैम की बात करें, एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, स्पीड, परफॉर्मेंस, ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन, स्मूथ परफॉर्मेंस, हर चीज जिसकी भी जो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते वो इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त की लेटेस्ट जनरेशन जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है। इस डिवाइस का नाम है X88 Pro 13 और ये गोल्ड एडिशन में हमने इंट्रोड्यूस कराया है कस्टमर को, गोल्ड एडिशन में लेके आए। जो IPTV आपको चलाना है, आपको B1G चलाना है, StarShare चलाना है, OPLEX चलाना है, iFlex चलाना है, इसके अलावा ये बहुत से आते हैं, स्ट्रॉन्ग आता है, 4K आता है, ट्रैक्स आता है, OTT आता है, जिस लेवल का IPTV आपको चलाना है वो सारे ये सपोर्ट करता है और हर एप्लीकेशन को, हर IPTV को बेहतरीन चलाता है। ये इसकी डिवाइस है, मैं आपको उसकी जो है कस्टमर अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए कि सर आप कब लाएंगे, तो फाइनली ये आ चुका है, गोल्ड एडिशन में आया है, मजीद अपग्रेड के साथ आया है। जो TV आपके पास घर में मौजूद है ये सबसे कनेक्ट होकर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ले जाएगा। आप हमें पुराने जमाने का आपके पास TV LED पड़ी है वो भी नए जमाने का बन जाएगा, नए जमाने का बन जाएगा। आपको जो एप्लीकेशन खोलनी है वो आप उसका नाम ले, वो एप्लीकेशन खुल जाएगी आपके सामने। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, पूरी बॉक्स पे जो है इसका AI, मैंने कहा था न्यू AI टेक्नोलॉजी, तो ये है बेसिकली कि आर्टिफिशियल आपकी हर वॉइस को डिटेक्ट करके वो एप्लीकेशन तक रन करके दे देता है। तो जब इसको आप स्क्रीन पे ऐसा कनेक्ट करते हैं तो इसका कुछ किस तरीके का डैशबोर्ड आता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला डैशबोर्ड है। आप देखें कि बहुत ही यूनिक ऐसा डैशबोर्ड जो है आपको किसी भी एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। असल जो एंड्रॉइड 13 की पहचान है, आप मल्टीपल क्लिक करेंगे ना तो ये जो है आपके सामने एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल लोगो दिखाएगा। ये एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर जिसके अंदर आता है तो एक्चुअल एंड्रॉइड 13 की पहचान है। नेटफ्लिक्स ये देखें, यार जबरदस्त, ये नेटफ्लिक्स ऑन हो गया आपका, ठीक है। तो ये तमाम चीजें मैं जो है वॉइस पे आपको चला के दिखाऊंगा, ये नेटफ्लिक्स ऑन हो चुका है। Amazon Prime Video, ओके Prime Video, ये Prime Video। मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कमाल की चीज़ है और आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो बोलेंगे आपके कहने पे जो है ना ये आपकी एप्लीकेशन को ऑन कर देता है। पाकिस्तानी न्यूज़ में आते हैं, कोई भी एक चैनल चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जियो न्यूज़ चला लेते हैं हम, जैसे जियो न्यूज़ ऑन करते हैं ये आपके सामने जियो न्यूज़ ऑन हो गया। अब जैसे जैसे नीचे करते रहेंगे जो भी इसके जो चैनल अपकमिंग है वो फौरन लोड करवा देंगे, केबल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजोन प्राइम, HBO, डिज्नी के जो शोज़ हैं वो आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। X88 Pro 13 के अंदर IPTV जो है आपको 3 months का हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम दानिश भाई, ठीक ठाक, आप कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यार अदनान, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपने बताया था कि एक मॉडल बहुत ही प्रीमियम मशीन आपके पास इंपोर्ट होने वाले हैं, तो उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन सी ऐसी मशीन आप लेकर आए जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पे काम कर रहा है और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन के साथ पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपने लॉन्च किया टेक फॉर स्टाइल ने, तो उसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल, टेक फॉर स्टाइल लेके आया है हमारे कस्टमर्स के लिए पाकिस्तान में, जैसा कि आपने बताया फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में टेक फॉर स्टाइल की तरफ से एक मॉडल लॉन्च हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भरपूर मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं ना, हम आपको दिखाएंगे क्या वो चीज़ है। प्रोसेसर की बात करें, रैम की बात करें, एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, स्पीड, परफॉर्मेंस, ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन, स्मूथ परफॉर्मेंस, हर चीज़ जिसकी भी जो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते वो इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। ऐसी डिवाइस आपने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, ये मेरी गारंटीड है। और जो फंक्शंस इसके अंदर मौजूद है जो हम आपको करके दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो डिवाइस देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके रैम रोम के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हमें काफी कस्टमर्स की कंप्लेन आती है, यही मसला है कि यार रैम रोम ओरिजिनल नहीं होते हैं, जो बताया जाता है वो नहीं होता। हमारे पास भरपूर सवाल आते हैं, ओरिजिनल रैम रोम के साथ एक डिवाइस आपके सामने हम रखेंगे, ठीक है, वो चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे सर। जो जो मेरे पास कस्टमर के सवाल आते हैं हर सवाल का इंशाल्लाह मैं इसमें जवाब दूंगा, इस वीडियो में हर सवाल का जवाब होगा, हर वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम इंशाल्लाह उस डिवाइस के साथ डिलीवर करेंगे, ये गारंटी हमारी। जबरदस्त, तो आप दिखाएं फिर हमारे नाज़रीन को, अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं, जो है खत्म करते हैं जल्द से जल्द जो है। चलिए जी, जबरदस्त,
आए दानिश भाई, हम अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूवर्स को उस डिवाइस के बारे में उसका तारुफ कराते हैं, वो क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। सर मैं कहता हूँ कि इस वक्त की लेटेस्ट जनरेशन जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है। इस डिवाइस का नाम है X88 Pro 13 और ये गोल्ड एडिशन में हमने इंट्रोड्यूस कराया अपने कस्टमर को, गोल्ड एडिशन में लेके आए हैं। इसकी क्या खास बात है ये मैं आपको बताता हूँ। सर एंड्रॉयड वर्जन बेसिकली एक जनरेशन का कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान के अंदर 13 जनरेशन, जिसको हम एंड्रॉयड 13 कहते हैं, उसमें मॉडल जो है नहीं आए। और 13 जनरेशन में लेटेस्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ऊपर आती है, उसके साथ ये बॉक्स पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च हो रहा है। और इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल तक काम करती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये बेसिकली वो बॉक्स है, X88 Pro 13 गोल्ड एडिशन। हाई सर, मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते आप, ये है बेसिकली जो है इसके अंदर Wi-Fi 6E की टेक्नोलॉजी, 13 जनरेशन में एंड्रॉइड 13 जो है इसके अंदर लॉन्च हुआ है। रॉक चिप RK3528 का प्रोसेसर, जो कि पहले से ज्यादा बूस्टेड और हाई परफॉर्मेंस रखता है। 8GB 128GB एक्चुअल ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ है ये। ब्लूटूथ का 5.3 इसके अंदर जो है वो अपडेट हो चुका है सर। और सबसे बड़ी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डैशबोर्ड इसके अंदर मौजूद है। ये तमाम स्पीड और परफॉर्मेंस सर हम इसके आपको जो है परफॉर्मेंस चला के दिखाएंगे, आप उसको यकीन माने देखेंगे हैरान हो जाएंगे जो इसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा अदनान, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि इसमें हम एप्लीकेशन कौन कौन से रन कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, कैमरे की एप्लीकेशन हो गई, प्रोजेक्टर हो गए, आप अपने चाहे इसको प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं सर। दुनिया की सारी एप्लीकेशंस आप इसके अंदर चला सकते हैं सर, जो दिल करे वो आप चला सकते हैं इसके अंदर। प्ले स्टोर से आप गेमें डाउनलोड कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोरेज एक्चुअल है, आपको पूरा स्टोरेज मिलता है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। रैम की परफॉर्मेंस है बूस्ट है, हाईली ग्राफिक्स GPU जो है, GPU माली का जो है हाईएस्ट लेवल का कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर लगी हुई है, जिससे बेहतरीन वीडियो का रिजल्ट आता है। प्ले स्टोर से गेमें डाउनलोड करें आप, वो जबरदस्त है। सॉफ्टवेयर जो मर्जी का करना है, मैं कहता हूँ काफी कैमरे की एप्स वाले जो कंपनीज है हमारे से कॉन्टेक्ट करती है, CCTV सिक्योरिटी कैमराज जो इनको लगाने होते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन आप इसके अंदर बेझिझक चला सकते हैं सर। हर वो एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फोन में वर्क करती है वो इसमें वर्क करेगी। जबरदस्त, ठीक है सर। आपका ये घर पे टीवी का एक टीवी का स्मार्टफोन, जैसे आपका समझ ले टीवी आपका स्मार्टफोन कनेक्ट हो गया पूरा का पूरा। अच्छा अदनान, इसमें हम अगर IPTV की बात करें, इसमें सर्वर की बात करें सर, तो हम कौन कौन से इसमें सर्वर वगैरह देख सकते हैं? सारे IPTV सर्वर, जो IPTV आपको चलाना है, आपको B1G चलाना है, स्टारशेयर चलाना है, ऑप्लेक्स चलाना है, आईफ्लेक्स चलाना है, इसके अलावा बहुत से आते हैं, स्ट्रॉन्ग आता है, 4K आता है, ट्रैक्स आता है, OTT आता है, जिस लेवल का IPTV आपको चलाना है वो सारे ये सपोर्ट करता है और हर एप्लीकेशन को, हर IPTV को बेहतरीन चलाता है। जबरदस्त, तो फिर दिखाएं आप इनको अनबॉक्सिंग करें। हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसके साथ क्या क्या आता है गोल्ड एडिशन को जब हम खोलते हैं, ठीक है सर। तो इसमें बेसिकली आपको ये इसका एक स्टार्टिंग इंटरफेस है, इसमें इसकी डिवाइस आपको मिलती है, ये इसकी डिवाइस है। मैं आपको उसकी जो है असल मॉडल दिखाता हूं। क्या लुक है यार, लुक सर, इसी लुक की वजह से ये काफी जो है हमारे पास सेल हुआ है, बहुत जबरदस्त इसकी डिमांड थी जो इसका लास्ट आया था। ये गोल्ड एडिशन में हमने दोबारा मंगवाया, क्योंकि वो कस्टमर अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए कि सर आप कब लाएंगे, तो फाइनली ये आ चुका है, गोल्ड एडिशन में आया है, मजीद अपग्रेड के साथ आया है। इसके साथ इसका आपको वॉइस रिमोट मिल जाता है 3-in-1, ठीक है सर। इसमें आप वॉइस से भी काम कर सकते हैं, बैक पे कीबोर्ड है, अंदर जायरोस्कोप मौजूद है, हाथ के इशारे से चलता है, हम करके दिखा देंगे किस तरीके से ये एयर माउस वर्क करता है। मजीद इसके साथ हम देखते हैं इसमें जो है चीजें मौजूद है, आपको इसके अंदर इसका एक स्टैंडर्ड रिमोट भी मिलता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे ना, तो ये भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट रिमोट है, सिंपल रिमोट के साथ इसमें ना शॉर्टकट्स बने हुए हैं, यूट्यूब का बटन भी दिया हुआ है, नेटफ्लिक्स का बटन भी दिया हुआ है, इनसे डायरेक्ट आपके जो है एप्लीकेशन खुल जाती है, आपको जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये इसका बहुत जबरदस्त रिमोट है, साथ साथ इसके साथ HDMI केबल और पावर एडाप्टर, ये दोनों चीजें आती हैं, जिससे आपका एंड्रॉयड बॉक्स हर नॉर्मल LED LCD या पुराने जमाने का डब्बा TV है, तमाम चीजों को स्मार्ट कर सकते हैं। जो TV आपके पास घर में मौजूद है ये सबसे कनेक्ट होकर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ले जाएगा। आप हमें पुराने जमाने का आपके पास TV LED पड़ी है, वो भी नए जमाने का बन जाएगा, नए जमाने का बन जाएगा, ये वो चीज है, ठीक है सर जी। इसके अंदर क्या क्या चीजें सपोर्टेड हैं मैंने आपको बताया था, इसके साथ जो है बेसिकली इसके अंदर Wi-Fi 6 लगा हुआ है, Wi-Fi 6E लगा हुआ है। Wi-Fi 6E की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है, बहुत ही लिमिटेड मॉडल्स मेरे ख्याल में शायद ना के बराबर है। ये Wi-Fi 6E को सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 13 रॉक चिप RK3528 का प्रोसेसर। इसके अंदर आपको देखें ये तमाम स्लॉट्स मिल जाती हैं, इससे आप होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, SPDI की पोर्ट है जी, इससे वो स्पीकर्स कनेक्ट हो जाते हैं, ब्लूटूथ से स्पीकर्स कनेक्ट हो जाते हैं, वाईफाई से या लैन की तार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वायर इंटरनेट है, HDMI केबल कनेक्ट हो जाती है,
यहाँ से एवी टीवी की जो है इसके अंदर केबल लग जाता है, डब्बा टीवी के डब्बा टीवी जो है उससे कनेक्ट हो जाता है। यूएसबी की दो पोर्ट दी हुई है, यूएसबी जो है 3.0 और 2.0 दोनों मौजूद है। एक्सटर्नल स्टोरेज बढ़ाना है, मजीद बढ़ाना है, तो उसके लिए आप मेमोरी कार्ड कर सकते हैं, एनहांसमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, इस सारी चीज इसके साथ आती है। डिजिटल डिस्प्ले मौजूद है यहाँ पर, टाइम डेट्स वगैरह, इवन वाईफाई कनेक्टेड है नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टेड है, सब बताता है, सब बताएगा, सब बताएगा। ये वो डिवाइस जो है आपके सामने ले आए। अच्छा, एक जो इसकी खसूसियात जो है टॉप ऑफ द लाइन जो मैंने देखी है इसके अंदर जी, वो ये है कि यार अक्सर लोगों ने YouTube को वॉइस कंट्रोल करके दिखाया जी सर, लेकिन जो आपने मुझे जो चीजें दिखाई है ना, मैं शॉक रह गया हूँ। मैं बता देता हूँ अपने कस्टमर को, जितने भी टीवी बॉक्सेस आपने देखे हैं वो जो है वॉइस, आप वॉइस के कमांड का ऑप्शन उसके अंदर मौजूद होता है, आप जाके रिमोट पे जो बोलते हैं वो सर्च कर देता है। लेकिन सर इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा बॉक्स जो है आपके वॉइस पे काम करेगा, यानी आपको जो एप्लीकेशन खोलनी है वो आप इसका नाम ले वो एप्लीकेशन खुल जाएगी आपके सामने। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, पूरी बॉक्स पे जो है इसका AI, मैंने कहा था न्यू AI टेक्नोलॉजी, वो ये है बेसिकली कि आर्टिफिशियल आपकी हर वॉइस को वो डिटेक्ट करके वो एप्लीकेशन तक रन करके दे देता है। बहुत जबरदस्त सिस्टम है यार, वाकई में इसको हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉक्स मौजूद है। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये प्रीमियम जो है ना डिवाइसेस के अंदर जो इसका शुमार होता है, ये प्रीमियम और अल्ट्रा हाई जो है ना वो क्लास के अंदर ही आती है, एलीट क्लास जिसको हम कहते हैं, कि कस्टमर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के शौकीन होते हैं तो वो ये बाय करते हैं। जाहिर सी बात है कि हमें हर कस्टमर को लेके चलना होता है, हर कस्टमर की डिमांड उसकी रिक्वायरमेंट देखनी होती है, उनको भी जो है जाहिर सी बात है मिड रेंज में भी कुछ लोग होते हैं, लो रेंज में भी होते हैं, तो उनको भी एक डिवाइस चाहिए होती है, तो उनके लिए भी हमने जो है हमारी एक और जो बड़ी मशहूर डिवाइस थी जो इसके बाद इससे पहले का जो हॉट मॉडल था उसके प्राइसेस को कम कर दिया है, ताकि कस्टमर जो है उसका से भी फायदा उठा सके। जैसा कि ये हमारी पुरानी डिवाइस थी इवेंचुअली एंड्रॉइड टीवी बॉक्स, जो कि बहुत ज्यादा इसके जो है डिमांड और चलिए बहुत ज्यादा ह्यूज सेल थी इसकी, इसके प्राइस के अंदर हम इसी वीडियो में अनाउंस कर रहे हैं कि इसके प्राइस हमने रिड्यूस कर दिए हैं। ऑलरेडी इस पे 30-35% का ऑफ सेल की वजह से लगा हुआ था, मजीद हमने 15-20% का और डिस्काउंट करके प्राइस को नीचे ले आए। सर करंट डिवाइस, करंट इसके रेट आपको ये डिवाइस मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 9,499 रुपए की डिलीवरी के साथ, 9,500 रुपए हमने इसके रेट कर दिए। 9,500 में ओरिजिनल 8GB 128GB की दूसरा वेरियंट मौजूद है, एंड्रॉइड 12 के अंदर ऑल वेदर H616 की सीरीज में ये आपको मिलता है, अवार्ड विनिंग प्रोसेसर है, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों मौजूद है इसके अंदर। ठीक है सर, ये एंड्रॉइड 13, ये तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाती है। अगर आप जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के शौकीन है तो X88 Pro 13 का गोल्ड एडिशन, अगर आप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसके प्राइस हम आगे बताएंगे। ठीक है सर, इसकी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद बताएंगे कि ये चीज जो आखिर डिजर्व करती है प्राइस। ठीक है सर, वो हम बताएंगे। अगर आप ये बाय नहीं कर सकते या बजट थोड़ा सा आउट होता है तो सर आप इवेंचुअली की तरफ जाएं, अगर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए सर, परफॉर्मेंस में इसका भी कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, तो ये आपको 9,500 की मिल जाएगी जी। तो अदनान इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे कि ये बॉक्स के क्या पोजीशन है। जी जी बिल्कुल, इसको भी हम अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं हमारे इस मॉडल को भी। इसको जब हम खोलते हैं तो इसकी भी कुछ इस तरह की डेकोरेशन है। आपकी डिवाइस है इवेंचुअली टीवी बॉक्स, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ, एक्सट्रीम हाई लेवल डेफिनेशन के साथ है, बहुत ही ह्यूज परफॉर्मेंस, 8GB 128GB का दूसरा हमारे पास ये सक्सेसफुल मॉडल रहा है। ठीक है, इसके साथ इसका नॉर्मल रिमोट जो आप इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है, और वही इसके साथ जो इसकी फॉर एग्जांपल रिमोट है, डिवाइस हो गई, इसके यूजर मैनुअल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। इसके साथ आपको जो है इसका पावर एडाप्टर और HDMI केबल, ये दोनों भी इसके साथ मिल जाती है, इसका कंप्लीट सामान है। ठीक है सर, इसके साथ ये आप 9,500 में। यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम किया आपने यार। कस्टमर को रिलीफ देना भी एक जाहिर सी बात है टेक्सास स्टाइल की ये पॉलिसी रही है कि जाहिर सी बात है अपकमिंग जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो हम कोशिश करते हैं पुरानी को जो है हम थोड़ा सा रिड्यूस करें, और जाहिर सी बात है डॉलर भी जो है आपके सामने है, बिल्कुल उसकी हालत है, तो जिस हिसाब से डॉलर की मूवमेंट होती है हम कोशिश करते हैं अपनी प्राइस को भी उस हिसाब से रखें ताकि कम से कम ज्यादा कस्टमर बाय कर सके। जी तो अदनान, आप हमारे नाज़रीन को जो 2023 और 2024 का जो लेटेस्ट मॉडल आप लेकर आए हैं जो कि तमाम एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का बाप है, उसको चला कर दिखाएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता लगे कि क्या चीज़ है। बिल्कुल सर, इसका डेमो करते हैं अब, यानी इंशाल्लाह कस्टमर्स और व्यू खुद डिसाइड करेंगे कि ये क्या चीज़ है, आइए इसको हम देख करते हैं। जी तो दानिश भाई, जो टेक फॉर स्टाइल की तरफ से जो फर्स्ट पाकिस्तान में जो डिवाइस हमने लॉन्च की है उसका हम डेमो करके दिखाते हैं, उसका इंटरफेस आपको दिखाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो बेसिकली ये X88 Pro 13 आपके सामने कनेक्टेड है, ठीक है, जब ये डिवाइस कनेक्ट होती है टोटल दो वायरस से कनेक्ट होती है, HDMI और पावर एडाप्टर, HDMI से उसको डिस्प्ले मिलता है, पावर एडाप्टर से इसको पावर मिलती है तो इसकी लाइट और टाइम वगैरह इसके अंदर ऑन हो जाता है। तो जब इसको आप स्क्रीन पे ऐसा कनेक्ट करते हैं तो इसका कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला डैशबोर्ड है, आप देखें
इसकी बहुत ही यूनिक ऐसा डैशबोर्ड जो है आपको किसी भी एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। बिल्कुल एआई वाला डैशबोर्ड है जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, जो भी अपकमिंग न्यू ट्रेंडिंग टीवी शो सीरीज आते हैं वो आपको यहीं पे दिखाता है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, कोई भी टीवी बॉक्स को जब आप कनेक्ट करते हैं सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से इसका वाईफाई आपको कनेक्ट करना होता है, जो भी आपके घर का वाईफाई है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप नीचे आते हैं तो रिमोट एसेसरीज में अगर कोई ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई वायरलेस हेडफोन्स वगैरह है तो यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ एक और कमाल की चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो शायद आपने किसी एंड्रॉइड बॉक्स में नहीं देखी हो। डिवाइस प्रेफरेंस में जाएंगे, अबाउट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखें एंड्रॉइड 13 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये एंड्रॉइड 13 मोस्टली लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं लेकिन असल जो एंड्रॉइड 13 की पहचान है उसके अंदर मल्टीपल क्लिक्स करेंगे ना तो ये जो है आपके सामने एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल लोगो दिखाएगा। ये एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर जिसके अंदर आते हैं तो एक्चुअल एंड्रॉइड 13 की पहचान है। ठीक है, वाकई में ये जो कुछ आप दिखा रहे हैं पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। तो ये एंड्रॉइड 13 इसके अंदर मैंने कहा था ना जेनियन मौजूद है तो ये इसकी ये निशानी है। ठीक है, इसके अलावा इसके हम स्टोरेज में जाते हैं तो स्टोरेज में 8GB और 128GB की कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आती है, रैम और रोम है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी स्टोरेज वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इसके अंदर आपको जो है बेशुमार एप्लीकेशन हम वैसे ही इंस्टॉल करके देते हैं, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो, अमेजोन प्राइम, HBO, BBC, प्ले स्टोर से अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, CCTV कैमरास चलाने हैं, प्रोजेक्टर की स्क्रीन से कनेक्ट करना है, प्रोजेक्टर पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्ले स्टोर से गेम्स डाउनलोड करके आप खेल सकते हैं अगर बोर हो गए, तो ये तमाम चीजें इसके अंदर खुली छूट है, स्टोरेज इसका मौजूद है, आप जो चाहे दिल खोल कर इसके अंदर खेल सकते हैं, चला सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, ऑल इन वन बॉक्स है। और एक और इसकी जो कमाल की बात है जिसका मैंने कहा था AI डैशबोर्ड, इसका भी एक स्पेशल फीचर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, वो किस तरीके से वर्क करता है जरा वो भी दिखाएं हमारे नाज़रीन को। तो देखें बेसिकली होता ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्क करता है। ठीक है ना, तो जब आप मैंने कहा था कि ये बॉक्स जो है पूरा का पूरा वॉइस पर भी आप कमांड कर सकते हैं। अच्छा जी, है ना, ये बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया था कि वॉइस रिमोट पे भी आप इसको कमांड कर सकते हैं। अब इस बॉक्स को हम जो है वॉइस पर भी चलाकर दिखाते हैं अपने कस्टमर्स को किस तरीके से वॉइस पे ऑपरेट करता है। यूट्यूब लेकिन ऑन करना ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन जब आपको जो है ऑन करना है वो आप जो है वॉइस पे ऑन। अभी तक तो लोग यही समझेंगे यूट्यूब वाले एप्लीकेशन है ये। तो आप कुछ और करके दिखाएं, नेटफ्लिक्स ये देखें, नेटफ्लिक्स यार जबरदस्त, ये नेटफ्लिक्स ऑन हो गया आपका। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मैं जो है वॉइस पे आपको चला के दिखाऊंगा, ये नेटफ्लिक्स ऑन हो चुका है। ठीक हो गया, बड़ा क्विक कमांड है यार, कोई कमांड इसके अंदर। इसके अलावा मैं चाहूं तो उसके अंदर आपका है Amazon Prime Video, Opening Prime Video, ये Prime Video यार। मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कमाल की चीज है और आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ जो है लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलेंगे आपके कहने पे जो है ना ये आपकी एप्लीकेशंस को ऑन कर देता है। ठीक है, ये Prime Video की जो है ये स्टार्टिंग स्क्रीन होती है, ये Prime Video ऑन हो गया। ठीक है, तो जो बोलेंगे वो इस पे जो है फौरी तौर पे जो क्विक रिस्पांस दे रहा है। बिल्कुल, अच्छा अदनान अब जो सवाल है देखो वो है अवामी सवाल, क्योंकि क्यूरियस होते हैं लोगों की, बहुत सवालात करते हैं, हम कैसे मान ले ये ओरिजिनल है जी, रैम रोम इसके ओरिजिनल है, हम कैसे मान ले। मैंने जैसा कि आपको स्टोरेज पे दिखाया कि 8GB 128GB, लेकिन मैं कस्टमर्स जैसे बार हमारे पास सवाल आते हैं बिल्कुल तो उनके लिए भी करना पड़ता है, तो जी बिल्कुल सर आपको दिखाएंगे AIDA64। सर ये देख लें, AIDA64 सबसे टॉप पे आएंगे ना, रॉक चिप X88 Pro 13 लिखा हुआ है, रॉक चिप RK3528 का प्रोसेसर है, 8GB रैम, इसके अलावा स्टोरेज में इंटरनल स्टोरेज में 102GB जो है इस वक्त आपके पास अवेलेबल स्टोरेज मौजूद है, इसे आप जो है डिस्प्ले कर देख मतलब यूज कर सकते हैं। ये पूरी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ADA64 दिखा रहा है। CPU में आएंगे नीचे जो है, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ CPU के अंदर, ये देखें CPU की पूरी एक्चुअल आपको सारी तमाम चीजें दिखा रहा है। मैं एंड्रॉइड के अंदर आता हूँ, जो इसके साइड में जो एंड्रॉइड का फंक्शन है, ये देखें एंड्रॉइड सबसे टॉप पे देखें एंड्रॉइड 13 लिखा हुआ है जी, जो अगर एक्चुअल नहीं होता तो आगे फेक लिखा होता है, ये फेक नहीं है, एक्चुअल जो है एंड्रॉइड 13 है उसके अंदर मौजूद है, ये आपको मैंने इसकी इंटरनल स्पेक्स से भी प्रूफ करके दिखा दिया। बिल्कुल यार ये काम किया ना आपने यार, आवाम का दिल जीत लिया आपने, ये तमाम चीजें जो है ना इसके अंदर जो हम बता रहे हैं, इंशाल्लाह आपको ये चीज मिलेगी, आपको ये हम डिलीवर करेंगे, ये हमारी इंशाल्लाह ये गारंटीड है। और इसके पीछे काफी रिसर्च और काफी मेहनत है आपकी यार, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं देखनी पड़ती हैं, स्पेक्स को प्राइसिंग को देख के मेहनत करके, जाहिर सी बात है कस्टमर्स के लिए हमें अच्छा करना है, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस खराब ना हो, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं।
ये सब उनके लिए। जी तो अदनान, काफी चीजें तो आपने चला के दिखाई हैं। आप ऐसा करें कि आप हमारे नाज़रीन को आईपीटीवी तो चला के दिखाएं कि क्या परफॉर्मेंस है। जी जी, हम अपने कस्टमर्स को अब जो है आईपीटीवी भी चला के दिखाते हैं। इसके अंदर चैनल, मूवीज और टीवी शोज का बेशुमार कंटेंट मौजूद होता है। तो जब आईपीटीवी हम ऑन करते हैं तो उसकी स्क्रीन कुछ इस तरीके की होती है। इसमें आपको लाइव टीवी, न्यूज, वीडियोस वगैरह और मूवीज और टीवी सीरीज वगैरह सब मिल जाती है। बेसिकली लाइव टीवी, मूवीज और टीवी सीरीज के तीन मेजर सेक्शन होते हैं। हम सबसे पहले लाइव टीवी में आते हैं तो लाइव टीवी का पूरा एक कैटेगरी खुल जाती है। इसके अंदर 15,000 से ज्यादा चैनल्स के अंदर आपको मिलते हैं, दुनिया भर के, पाकिस्तानी, इंडियन, दुनिया भर के आपको चैनल्स मिल जाते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी न्यूज में आते हैं, कोई भी एक चैनल चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जियो न्यूज चला लेते हैं। जैसे जियो न्यूज ऑन करते हैं, ये आपके सामने जियो न्यूज ऑन हो गया, ठीक है, बड़ी स्क्रीन हो गई, तो बड़ी अच्छी ही क्वालिटी और रिजल्ट के साथ आप इसको जो है देख सकते हैं। आप चैनल चेंज करेंगे, आप डायरेक्टली जो है चाहे तो चैनल चेंज कर सकते हैं। इसका एचडी वर्जन, नॉर्मल एचडी वर्जन, मैं सर चैनल चेंज करूंगा तो एआरवाई न्यूज आ गया, ठीक है, मैं डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे नहीं जा रहा, यहाँ से आप डायरेक्टली जो है बटन से जो है चैनल चेंज कर सकते हैं। आप जैसे जैसे नीचे करते रहेंगे जो भी इसके जो चैनल अपकमिंग है वो फौरन लोड कर रहा है। देखिए केबल की तरह हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चैनल्स का जो है पूरा एक सेक्शन हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर मूवीज का सेक्शन है, मूवीज के अंदर हॉलीवुड, बॉलीवुड और बेशुमार कंटेंट, तकरीबन 1950 1930 तक के जो है ना ईयर्स के इसके अंदर मूवीज आपको मिल जाएंगी। आप देखें इसके अंदर हम नीचे जाते हैं, कोई तकरीबन हॉलीवुड की भी अगर हम जाते हैं तो 2003 1970 75 55 ये देखें 1900 तक की मूवीज इसके अंदर मौजूद है। अब थक जाएंगे, यानी 50,000+ मूवीज का कलेक्शन है इसके अंदर, वो आपको मिल जाता है इसके अंदर, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, मल्टी लैंग्वेज में डब वगैरह सब मिल जाती है। इसके साथ इसका तीसरा सबसे मशहूर सेक्शन है, उसके अंदर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजोन प्राइम, HBO, डिज्नी के जो शोज हैं वो आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर नेटफ्लिक्स का सेक्शन मौजूद है, अमेजोन प्राइम वगैरह नीचे सारे मौजूद हैं, नेटफ्लिक्स आ रहा है, मल्टी लैंग्वेज आ रहा है, अमेजोन प्राइम, HBO, डिज्नी वगैरह, ये सब इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आप सारे इसके अंदर कॉन्टेंट जो है वो अपकमिंग जितने भी होते हैं सब अपलोड होते हैं, तो आप इसके अंदर बेशुमार कॉन्टेंट देख सकते हैं, ठीक हो गया। जबरदस्त, तो ये IPTV आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया, इसके अंदर आप ये आपको डिवाइस के साथ मिल जाता है, ठीक है, तो ये भी आप इसके साथ अवेल कर सकते हैं। X88 Pro 13 के अंदर IPTV जो है आपको 3 months का हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं, आप चाहें तो 3 months को जो है मजीद बढ़ा सकते हैं। उसके चार्जेस जो भी स्केड्यूल वगैरह वो हम आपको सेंड कर देंगे, उसके पर मंथली चार्जेस होते हैं, ईयरली चार्जेस होते हैं, आप ईयर का भी करवा सकते हैं, ठीक है, तो सारे हम आपको डिटेल्स इसके साथ प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, तो आप एक काम करेंगे, अब आप एड्रेस, लोकेशन और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे। जी बिल्कुल, एड्रेस बड़ा ही आसान है, जो है LNGB इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मशहूर है, स्टार सिटी मॉल से थोड़ा सा सामने, सदर मोबाइल मार्केट के अंदर जब आप आते हैं तो स्टार सिटी मॉल के आगे LNGB इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, बड़ा सा टावर है 15 फ्लोर का, उसमें 11 फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, 1109, तो ऑफिस नंबर 1109, 11th फ्लोर, LNGB इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सदर मोबाइल मार्केट, कराची, ये हमारा एड्रेस है। अगर जो है कोई बंदा हमसे ऑनलाइन बाय करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकता है, www.techforstyle.com, यहाँ से जाके आप जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का भी नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, 03442363417, ये हमारा नंबर है, यहाँ से आप हमसे या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसकी पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवरी कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी पर पार्सल आपको 2 से 4 दिन में आपके घर पे ये डिलीवर्ड हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी पार्सल चाह रहे हैं तो एडवांस पेमेंट करके 24 घंटे के अंदर ये पार्सल मंगवा सकते हैं, विद इन नेक्स्ट डे आपको ये पार्सल डिलीवर्ड हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर आपने बता दिया, नंबर प्राइस के जो है इसके हम जो है प्राइस के ऊपर भी आ जाते हैं, तो प्राइस बेसिकली सर इसकी जो प्राइस है इस वक्त, अगर आप वॉइस रिमोट के साथ ये पूरा पैकेज स्पेशल जो गोल्ड एडिशन हमारा है ये अगर आप बाय करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 13,499 रुपये का है। डिलीवरी इसकी फ्री है, AI वाले तमाम फीचर्स के अंदर मौजूद है, 13,400 के प्राइस मजीद ऊपर होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त हमने एक लिमिटेड जो है लिमिटेड टाइम के लिए स्टार्टिंग लॉन्चिंग है, तो हम चाह रहे हैं इसके प्राइस को जो है कम से कम रखें। जाहिर सी बात है कॉस्टली है, ओरिजिनल चीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं हम, और डॉलर के रेट्स भी मजीद आगे ऊपर हो रहे हैं, लेकिन हम कस्टमर्स के लिए चाह रहे हैं अभी हम अपने प्राइस को मेनटेन रखें। अगर आपको वॉइस रिमोट नहीं चाहिए तो वॉइस रिमोट आप इसके अंदर जो है हटवा सकते हैं, इसका जो नॉर्मल रिमोट है उसके थ्रू आप इसको बाय करेंगे तो ये आपको सिर्फ 12,500 में मिल जाएगा, ठीक है, 1,000 रुपये का जो आपको यहाँ पर डिफरेंस है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 12,500 में आप वॉइस के बगैर ले सकते हैं। अगर वॉइस रिमोट के साथ पूरा पैकेज चाहिए तो 13,500 में फ्री डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में। वरना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जैसे शाओमी जैसे ब्रांड है, बिल्कुल वो ओरिजिनल में अगर दे रहे हैं तो 2 में 32 है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो 17-18 भी नहीं है, 2 GB 16 GB, 2 GB 16 GB, सॉरी 16 GB है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। उसके तो क्या प्राइस है, 17,000 18,000, तो जाहिर सी बात है, तो और उसका मसला ये है कि उनकी आपको यहाँ से नॉर्मली वारंटी नहीं भी मिलेगी, शायद वारंटी क्लेमेबल नहीं होती, बड़ा मुश्किल हो जाता है, परेशानी होती है, तो इनकी हमें आपको ऑफिशियली वारंटी मिल जाएगी। आप चाहे तो कोई भी मसला हो, जलने और गिरने की नहीं होती है, मतलब बर्न वगैरह या डैमेज वगैरह जाने की नहीं होती, इसके अलावा कोई भी मसला है
कोई भी परेशानी आप लेके आए, इंशाल्लाह प्रॉपर आपको उसको है वारंटी के अंदर कवर्ड होगा, डिवाइस जो है आपको एक्सचेंज हो जाएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है तो उसका बैकअप मिल जाएगा आपको, इसके हार्डवेयर के अंदर कोई फॉल्ट आता है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस सब जो है ना इसके वारंटी के अंदर कवर्ड है। तो कितने साल की आप दे रहे हैं सर? एक साल की इसकी कंप्लीट वारंटी है, एक साल की पूरी कंप्लीट वारंटी। तो हम अपने नाज़रीन को जो है यूट्यूब पे भी कार्टून वगैरह और दूसरी चीज़ें दिखा देते हैं कस्टमर्स, बच्चों के लिए जो कार्टून वगैरह होते हैं और किड्स के जो है वो सारे शोज भी देख लेते, तो यूट्यूब को हम वॉइस के थ्रू खोल लेते हैं इसके अंदर। यूट्यूब जितने भी सेक्शन है ये सारे आप वॉइस, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जब रिमोट लेके वॉइस पे ही काम करते रहे, तो बड़ी अच्छी इसकी यूजर फ्रेंडली है। ये जैसे मैं ये वीडियो प्ले कर लेता हूँ, ये आपकी वीडियो प्ले हो गई, जबरदस्त। ये देखो वाह क्या क्वालिटी है यार, बेहतरीन। अच्छा अदनान, काफी ज्यादा लोगों के सवाल आते हैं कि हम चाइनीज बॉक्स अगर जो लेते हैं परचेस करते हैं उसमें अक्सर जो है मसले मसाइल ये आते हैं। जी जी बिल्कुल, उसमें जो मसले मसाइल आते हैं वो ये है कि उसको अगर छोटे स्क्रीन के ऊपर देखें तो सही है, जैसे ही हम उसको एनहांसमेंट करते हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं या देखते हैं तो उसमें स्क्रीन जो है ना फटने लग जाते हैं, पिक्सल फटने लग जाते हैं। बेसिकली ये होता है कि वो उसका जो प्रोसेसर होता है ना बेसिकली वो इतना पावरफुल नहीं होता है, ठीक है ना, रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर पाता, भले दिखा भी रहा होता है रेजोल्यूशन में, इतने रेजोल्यूशन चला रहा, लेकिन वो ओरिजिनली उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर पाता। उसके लिए प्रोसेसर की अपनी परफॉर्मेंस है ना अच्छी होनी चाहिए। रॉकचिप बार के 3528 का प्रोसेसर है, आप बड़ी से बड़ी कोई भी LED ले लें उसके अंदर इसको आप चला सकते हैं, कोई पिक्सल नहीं फटेंगे, बेहतरीन रिजल्ट देगा उसी LED पे, उसको इतनी जल्दी एडजस्ट करके दे देगा, कमाल का रिजल्ट, क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट जिसको हम कहते हैं ना वो आएगा इसके। मतलब जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो AI अपना काम शुरू कर देता है, अपना काम शुरू कर देता है। और इसके अलावा एंड्रॉइड आजकल LEDs का आपने बड़ा ही कुछ जो है एंड्रॉइड बॉक्स की जरूरत नहीं है, और LEDs जो है वो जो एंड्रॉइड आ रही है वो काफी हैं। तो मेरे भाई बोले वाले भाइयों के लिए मैं यही कहूंगा कि भाई एंड्रॉइड TVs जो है उनकी अपनी लिमिटेशन है, 1GB 8GB से ज्यादा उनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, ये काफी लोग आजकल इससे अवेयर है। आप अगर एंड्रॉइड बॉक्स के अपनी एक क्लास है, अगर आप ओरिजिनल बॉक्स लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान है, उस बॉक्स से अगर कोई भी खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है तो बॉक्स डैमेज होगा, लेकिन अगर LED डैमेज हो गई तो LED 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक लाख के ऊपर का नुकसान होता है, तो बॉक्स के अंदर ये मसला नहीं। और दूसरा ये कि बॉक्स की स्पीड स्लो नहीं होती, अगर आपका बॉक्स जो है अच्छा चल, 1GB 8GB की एक LED अगर आप स्मार्ट ले भी लें, 40,000, 50,000, 70,000 के लोग बेच रहे होते हैं यहाँ पे, पता नहीं उसके अंदर भी क्या क्या कहानियां कारीगरियां चल रही होती हैं, 1GB होती है और वो भी ज्यादा शो हो रही होती है, तो वो थोड़े टाइम बाद जाके स्लो हो जाती है। हाँ, 15-20 दिन के बाद, 15-20 दिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम महीना, उसके बाद जो है उसका अपना जो है उसकी असलियत सामने आ जाती है, तो लोग परेशानी हो रहे होते, तो अल्टीमेटली वो 50-60 हज़ार खर्चा करने के बाद फिर से बॉक्स लगाते हैं, इसके बावजूद उनको बॉक्स लगाना पड़ता है, क्योंकि बॉक्स की अपनी एक उसका अपना एक क्लास है, अपनी एक जो है उसकी स्पेक्स है, अपना उसका एक मकाम है, लेवल है, जाहिर सी बात है आप उसको उसका कनेक्ट करते हैं तो ही आपको उसका एक अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है। जबरदस्त, ये अच्छा किया आपने क्लियर किया, एक अंडरस्टैंडिंग थी ये देनी थी। जी जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, आप फिर कुछ एडवांस कोई और आइटम आपके पास आए तो फिर हम अपकमिंग मॉडल्स वगैरह जो भी है इंशाल्लाह जरूर, हमारे पेज को भी लाइक करें, टेक फॉर स्टाइल को यूट्यूब पे फॉलो करें, दानिश भाई का चैनल फॉलो करें, तो इंशाल्लाह अप टू डेट होते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।